बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये प्रॉब्लम 3D मींस 3 डायमेंशनल एनालिसिस की है, द स्ट्रेट लाइन चैप्टर से। शो दैट द लाइंस, फर्स्ट लाइन दे रखी है, x प्लस 1 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू z प्लस 2 अपॉन 1। एंड सेकेंड लाइन दे रखी है, x अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू z प्लस 7 अपॉन 2। इंटरसेक्ट, यानी शो करना है ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे से कट करेंगे। यानी ये अगर दो, हम लोग जानते हैं कि दो लाइन अगर एक प्लेन में है तो ज़रूर कट करती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये दोनों लाइनें एक प्लेन में हो। जैसे ये दो लाइन्स हैं तो ये दोनों लाइन्स देख रहे हैं कि एक प्लेन में नहीं है तो एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, लेकिन अगर एक प्लेन में होंगी और पैरेलल अगर होंगी तो हो सकता तब तो कट नहीं करेंगे, लेकिन अगर पैरेलल नहीं है तब ज़रूर कट करेंगे। यानी एक प्लेन में है और पैरेलल नहीं है तो कट करेंगे। फिलहाल हमें ये प्रूव करना है कि दोनों एक दूसरे को कट करती है, लेकिन हमें ये मालूम है जब कट कर गई वो तो उनसे एक प्लेन ज़रूर जाएगा, चाहे वो किसी तरीके से कट करेंगी। तब दो लाइनें जब कट करती हैं तो उनसे एक प्लेन पास होता है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी जहाँ पर दोनों लाइनें मिलती हैं, मीट करती हैं, वहाँ पर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकालना है जहाँ पर दोनों लाइनें कट करती हैं, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। एंड इक्वेशन टू द प्लेन कंटेनिंग देम, और उस प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो इन दोनों को कंटेन करता है, यानी इन दोनों लाइन से पास होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये प्रूव करना है कि दोनों लाइनें कट करती हैं, तो उसके लिए हम एक ही मेथड से दो काम हो जाएं, तो इसलिए इस मेथड का यूज़ करेंगे कि पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट भी आ जाए और ये प्रूव भी हो जाए कि दोनों लाइनें कट करती हैं। तो सबसे पहले तो दोनों लाइंस के इक्वेशन लिखेंगे। तो पहली लाइन का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस, एक्स प्लस 1 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू जेड प्लस 2 अपॉन 1। इसे के इक्वल मान लीजिए और इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। और फिर सेकंड लाइन का इक्वेशन है, एक्स अपान 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 7 अपान माइनस 3 इज इक्वल टू जेड प्लस 7 अपान 2, और इसको के डैश के इक्वल मान लें, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से हम जब इसकी वैल्यू को के इक्वल करेंगे, मींस एक्स प्लस 1 अपान जब माइनस 3 को के इक्वल रखेंगे, और इसी तरीके से ये वैल्यू भी के इक्वल है, वाई माइनस 3 अपान 2 भी के इक्वल है, और जेड प्लस 2 अपान 1 भी के इक्वल है। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 3 का इंटू करेंगे और 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 माइनस का 3 के। इसी तरीके से वाई की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 2 के, और जेड की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 प्लस का 1 टाइम्स के, यानी के। और जिस तरीके से हमने लाइन 1 से ये वैल्यू फाइंड कर ली है, इसी तरीके से लाइन 2 से भी हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी ये 1 टाइम्स के डैश, यानी के डैश आ जाएगा, और वाई की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 3 के डैश, और जेड की वैल्यू हो जाएगी माइनस 7 प्लस 2 टाइम्स के डैश। तो ये वैल्यू आ गई। और हम लोग जानते हैं जब दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करेंगे तो उस पॉइंट पर दोनों के लाइनों के जो एक्स वाई जेड के जो कोऑर्डिनेट होंगे, क्योंकि ये एक ही पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल होंगे, अगर ऐसा है तब। तो इसलिए हम इनको आपस में इक्वेट कर देंगे, यानी इक्वेशन नंबर, इसको 3 डाल दें, इसको 4 डाल दें, आपस में इक्वेट करेंगे। अभी ध्यान रहे कि हम इसको कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं ये लाइनें कट करें, माना एस क्यू लाइन होंगी तो एस क्यू लाइन जो है वो कट नहीं करती हैं, तो लेकिन हम लोग इसको जबरदस्ती इसको आपस में इक्वेट करके रख देंगे, और बाद में अगर हमारा रिज़ल्ट सही आ जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। तो हम इन वैल्यूज़ को आपस में इक्वेट कर देंगे, तो जब एक्स की वैल्यू को आपस में इक्वेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 माइनस का 3 के, और इज इक्वल टू 1 टाइम्स के डैश, यानी के डैश हो जाएगी। एक इक्वेशन यहाँ से हमें ये मिला है, इसको हम थोड़ा सिंपलीफाई करके लिखना चाहते हैं तो इसको उधर ले जाएं, तो 3 के प्लस का के डैश और राइट हैंड साइड में माइनस 1, इसे एक नया इक्वेशन 5 डाल दें। और जब y की वैल्यू को इक्वेट करेंगे तो 3 प्लस 2 के, और इधर y की वैल्यू है 7 माइनस का 3 के डैश, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करके वैल्यू मिल जाएगी
टू के तो ये है, इसको ट्रांसपोज किया तो प्लस का थ्री टाइम्स के डस, और सेवन की तरफ इसको ले जाएंगे, थ्री माइनस हो जाएगा सेवन में से तो फोर बचेगा, इसे इक्वेशन नंबर फाइव ही हो गया, सिक्स ही हो गया। अब जेड की वैल्यू को आपस में इक्वेट करेंगे तो माइनस टू प्लस के इज इक्वल टू, और जेड की इधर वैल्यू है माइनस सेवन प्लस का टू के, क्योंकि जब ये दोनों लाइनों पर एक्स बाई जेड की वैल्यू है और जब दोनों एक दूसरे को कट करेंगे तो उस पॉइंट पर ये इक्वल होंगे। अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो के डैस को ले जाएंगे टू टाइम्स के डैस को लेफ्ट हैंड साइड माइनस का हो जाएगा, और माइनस टू को उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो सेवन माइनस का प्लस का टू माइनस का फाइव बचेगा। इस तरीके से हमारे पास तीन अननोन है, लेकिन दो अननोन है, के और के डैस, और तीन इक्वेशन है। हमें मालूम है कि किसी भी अननोन की वैल्यू निकालना है तो दो इक्वेशन, अगर दो अननोन है तो दो इक्वेशन काफ़ी है, तीन आ रहा है तो तीसरा एक्चुअल में इसलिए कि सेटिस्फाई करेगा कि ये हमने जो वैल्यू निकाली है सही है नहीं, मीन्स दोनों लाइनें कट कर रही हैं नहीं। अगर तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे इसका मतलब लाइनें कट नहीं करेंगे, एसक्यू लाइनें होंगी, और यहीं से पता चल जाएगा ये लाइनें कट करती हैं या नहीं करती हैं, क्योंकि ये वैल्यू तो हमने रख दिया आपस में इक्वल, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू, क्या मालूम ये जब एसक्यू लाइन होगी कट नहीं करेंगे तो नहीं रख सकते, तो वो हम तीस जब दो इक्वेशन से हम सॉल्व करके तीसरे में वैल्यू अगर सेटिस्फाई नहीं होती यानी वो हम नहीं रख सकते ये वैल्यू आपस में इक्वल, यानी लाइनें कट नहीं करेंगे, यानी वो एसक्यू लाइन होगी कोप्लेनर नहीं होगी, तो हम इक्वेशन फाइव और सिक्स को सॉल्व करने के लिए इनके कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर फाइव में अगर हम थ्री से मल्टीप्लाई करें तो के डैस का इक्वल हो जाएगा कोएफिशिएंट, तो यहाँ से हमने थ्री से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू हो जाएगी नाइन के प्लस थ्री टाइम्स के डैस इज इक्वल टू माइनस का थ्री। इक्वेशन नंबर एट में बदल गया, यानी इक्वेशन नंबर फाइव का थ्री में इंटू किया तो एट में बदल गया, इसको हम सिक्स के साथ में माइनस कर देंगे तो हमें इक्वेशन नंबर सिक्स है, और इसको माइनस जब करेंगे तो यहाँ पर के डैस कैंसिल हो जाएगा, और जैसे नाइन में से टू माइनस होगा सेवन टाइम्स के आ जाएगा, और ये भी दोनों माइनस के हो गए तो माइनस का सेवन, तो के डैस की वैल्यू माइनस वन मिल गई। अब इस के डैस की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर, चूँकि हम फाइव और सिक्स को सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें हम फाइव में वैल्यू पुट कर देंगे के की वैल्यू, तो थ्री इंटू माइनस वन और प्लस का के डैस इज इक्वल टू माइनस वन, तो इस माइनस थ्री मिलेगा, और जिसको लेफ्ट में से राइट में ले जाएंगे तो प्लस का थ्री हो जाएगा, तो के डैस की वैल्यू यहाँ पर टू के बराबर आ गई, तो ये दोनों मिल गई। अगर ये दोनों वैल्यू के की और के डैस की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेवन को, यानी हमने फाइव और सिक्स को सॉल्व किया था तो उससे हमें ये रिजल्ट मिले हैं, अगर ये इक्वेशन नंबर सेवन को सेटिस्फाई करती है तो इसका मतलब ये हुआ दोनों लाइनें एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कोप्लेनर लाइंस होंगी, यानी उनसे होकर उनसे एक प्लेन पास होगा। अब इक्वेशन नंबर सेवन में ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो जहाँ पर के मिल रहा है वहाँ पर माइनस वन रख रहे हैं, जहाँ पर के डैस है वहाँ पर टू, और हम देखेंगे क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो राइट हैंड साइड में माइनस फाइव दे रखा था, इसे सॉल्व करते हैं तो ये माइनस का वन ये है और माइनस का फोर ये इक्वल टू माइनस फाइव, तो माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस फाइव आ रहा है जो कि ट्रू है, विच इज़ ट्रू, और ये ट्रू होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं वैल्यू। इसका मतलब हमने जो रखा था एक्स और वाई और जेड की वैल्यू को आपस में इक्वेट, यानी एक्स एक्स की वैल्यू को लाइन वन होती से तो कह सकते हैं दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, देयरफॉर दी लाइन्स वन एंड टू इंटरसेक्ट। तो इंसेक्ट करते हैं, ये तो प्रूफ हो गया। अब हमें फाइंड करना है पॉइंट, तो पॉइंट जो है वो आप चाहे इक्वेशन नंबर थ्री से निकाल लो या फोर से निकाल लो, तो हम थ्री से निकाल लेते हैं, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही कहलाएंगे ये। थ्री से हमें मिला एक्स की वैल्यू माइनस वन माइनस का थ्री के है, और वाई की वैल्यू थ्री प्लस का टू के है, और जेड की वैल्यू माइनस टू प्लस के है, और के की वैल्यू अभी हम फाइंड कर चुके हैं माइनस वन है, तो फिर माइनस वन माइनस थ्री इंटू माइनस वन, के की वैल्यू माइनस रख दीजिए टू इंटू माइनस वन, और माइनस टू और के की वैल्यू माइनस वन रख दें, फिर थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस वन ये माइनस माइनस प्लस का थ्री हो जाएगा, और टू और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस टू माइनस वन, तो ये वैल्यू थ्री में से वन जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी टू आ जाएगी, और फिर इसमें से सॉल्व कर रहे हैं थ्री में से टू माइनस होगा तो वन आ जाएगा, और ये दोनों ही माइनस के तो माइनस का थ्री आ जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। अब हमारा लास्ट स्टेप रह गई जिसमें हमें फाइंड करना है ये दोनों लाइंस जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं इनसे एक प्लेन पास होगा, तो उस किस प्लेन में है उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना, तो इसे निकालना बहुत आसान। आप पहले तो किसी एक लाइन को ले लो, तो हम पहली वाली लाइन को यहाँ पर लेते हैं, उसमें जो न्यूमरेटर में जो मौजूद हैं उनको तो हम
हमारा डिटर्मिनेंट हो गया, तो उसके फर्स्ट रो में रखेंगे और सेकंड रो में ये DRS रखेंगे और थर्ड रो में दूसरी वाली लाइन के DRS रख देंगे, वो प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। तो द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन टू द प्लेन कंटेनिंग दी गिवन लाइन, जो इन दोनों लाइनों को रखता है यानी इन दोनों लाइनों से पास होता है, उसका इक्वेशन हमें लिखना है। तो पहली वाली लाइन या दूसरी किसी भी एक लाइन का आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहली वाली लाइन को ले रहे हैं, उसका न्यूमरेटर में x प्लस वन है, y माइनस थ्री है, z प्लस टू है, और उसके जो DRS थे माइनस थ्री टू और वन, और दूसरी वाली लाइन के DRS वन माइनस थ्री और टू। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड में जीरो है और हमें इक्वेशन मिल जाएगा। ये हम R1 के रिस्पेक्ट में जब इसमें एक्सपेंड करेंगे तो ये है प्लस का होता है x प्लस वन, इससे जाने वाले रो और कॉलम को जब हम छुपाएंगे तो जितना बच रहा दिख रहा हमको इसका इंटू इसमें तो यानी फोर माइनस का ये ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थ्री। फिर उसके बाद इसका साइन जो कि माइनस होता है तो माइनस का वाई माइनस थ्री, और इससे जाने वाले रो को छुपा लीजिए और कॉलम को जो दिख रहा है उसका इंटू कॉलम, इसका इंटू इसमें करेंगे तो माइनस का ये हो गया, इसको छुपाया था तो इसमें माइनस का हो गया ये सिक्स हो गया और माइनस का हो गया वन प्लस। फिर इसके बाद इस जेड इस लास्ट थर्ड वाले को छुपाना है, इससे जाने वाले रो और कॉलम को छुपा देंगे और है कितना ये तो लिखा नहीं, जेड प्लस टू, इससे जाने वाले रो और कॉलम छुपाया तो इसका इंटू इसमें हो जाएगा माइनस माइनस इंटू प्लस, माइनस माइनस का इंटू प्लस यानी माइनस का नाइन और माइनस का टू हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जीरो। इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें, ये वैल्यू सेवन हो जाएगी, तो सेवन टाइम्स एक्स प्लस वन हो गए, ये वैल्यू माइनस का सेवन होगी लेकिन इस माइनस से उस माइनस को प्लस कर देंगे सेवन वाई माइनस का थ्री, और ये भी सेवन बचेगा प्लस का सेवन और जेड प्लस का टू इज इक्वल टू जीरो। सेवन को कॉमन ले लें तो हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा, एक्स प्लस वन और इधर बचा वाई माइनस का थ्री, इधर बचा जेड प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। सेवन से को राइट हैंड साइड में लेके डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इधर बच रहा है एक्स प्लस वाई और प्लस जेड, प्लस के वन और टू ये थ्री हो जाएगी, माइनस के भी थ्री हैं और हमने ज़ीरो को सेवन से डिवाइड कर दिया क्योंकि इसको ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड में, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू ज़ीरो आ गई। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट रिजल्ट आ गया, ये प्लेन का इक्वेशन आ गया जो दोनों लाइन्स जो इंटरसेक्टिंग लाइन थी से पास होता है या जो कंटेन करता है लाइन को एक ही बात है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, वाकरुद्दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।